शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने परिजनों और पार्टी सांसदों के साथ रामलला के दर्शन किए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि शिवसेना प्रमुख लोकसभा चुनाव से पहले कई धार्मिक स्थानों पर दर्शन के लिए गए। अब चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद रामलला को धन्यवाद कहने के लिए अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ अयोध्या आए हैं। रामलला के दर्शन के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राम मंदिर निर्माण में शिवसेना सरकार के साथ है। हमने नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार, हमें विश्वास है यहां जल्दी मंदिर बनेगा। तो ये दूसरी दफा है जब पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। इससे पहले जब धर्म संसद हो रही थी उस दौरान भी अयोध्या की गलियों में नजर आए थे उद्धव ठाकरे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे। संजय राउत हमेशा उनके साथ रहे जब भी उत्तर प्रदेश का दौरा जब भी होता है। फिलहाल ये दूसरी बार है जब उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में क्या, इन सब के केंद्र में मंदिर। उस वक्त में और इस वक्त की तस्वीरें अलग हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त हमें याद है जब उद्धव ठाकरे बोल रहे थे तो सीधे तौर पर हमलावर केंद्र सरकार पर थे, भारतीय जनता पार्टी उनके निशाने पर थी। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आई है, क्योंकि मजबूरन ही सही या कोई भी वजह हो सकती है जिसके चलते एक बार फिर से एनडीए के साथ खड़ी नजर आई शिवसेना और 18 सीटें महाराष्ट्र में अकेले जीती हैं शिवसेना ने। उसके बाद अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक बार फिर से अयोध्या की गलियों में नजर आए उद्धव ठाकरे। भगवान राम की चौखट पर माथा टेकने आए और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यह मंदिर बनेगा ही बनेगा। मैं राष्ट्र में दूसरी बार यहाँ आया हूँ। पहली बार जब आया था तो कुछ लोगों ने पूछा था क्या दोबारा आएंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार आने जैसा दिल करता है और पता नहीं आगे कितनी बार मैं भाई यहाँ आऊंगा, लेकिन आते तो रहूंगा और मंदिर भी बनेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे, उनके साथ उनके 18 सांसद, किस तरह का प्रोग्राम रहा, कहां कहां पहुंचे हैं और आगे क्या है कार्यक्रम उनका? राम जन्मभूमि का उन्होंने दर्शन किया, 18 सांसदों के साथ पहुंचे थे, जो कि अगले बार भी जब वो आए थे तो उन्होंने भगवान जब माथा टेका था उन्होंने कहा था कि मैं एक बार फिर भगवान का दर्शन करूंगा। जैसे कि भगवान टाट में है, देख करके हमें काफी दुख होती है, क्योंकि जिस तरह से भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्या कारण है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के इस पे कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की रही है और कहीं ना कहीं जो है कि ये कहा गया है कि अगर सरकार नहीं बनती है तो आपसी सहमति से उसकी सरकार बनानी चाहिए, साधु संतों को बैठ करके आपस में बात करना चाहिए और इस पे ठोस निर्णय लेना चाहिए। तो रामलला के दर्शन तक सीमित रहा है उनका ये दौरा, या फिर किसी संत से किसी साधु से आशीर्वाद लेने भी पहुंचेंगे? नहीं, राम जन्मभूमि का दर्शन किया, उसके बाद मीडिया से बात की है और कहीं साधु संतों से मुलाकात करने नहीं गए, क्योंकि जिस तरह से कल विराट संत सम्मेलन था उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर एक बयानबाजी दी थी कि मैं बाबर के नाम का एक ईंट भी नहीं रखने दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की भी रणनीति है राम मंदिर को बनाने को लेकर के, अब वो सामने खुल करके आना चाहती है। अच्छा, पहला जो दौरा रहा था चुनावों से पहले जब उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, उनके बेटे उनके साथ थे, उस दौरे में और इस दौरे में कितना बड़ा अंतर देखने को मिला? क्योंकि उस वक्त तो सीधे तौर पर हमलावर नजर आ रहे थे केंद्र सरकार के ऊपर, इस बार कुछ बोला सरकार के लिए? नहीं, सरकार को अगली बार उन्होंने अपना टारगेट बनाकर चला था। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी मोदी पे अगली बार उन्होंने कहा था, इस बार तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपस सहमति बनाई जा रही, अब क्योंकि जो अगली बार का और इस बार का दौरा कहीं अहम माना जा रहा है। ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता, इसका क्या आशय निकाला जाए, क्या कहना वो चाह रहे थे ऋषि, कि अगर कोर्ट से जो फैसला आता है नेगेटिव पॉजिटिव उसके आधार पर बोल रहे थे या कोर्ट के नैरेटिव पर सेट कर रहे थे अपने पूरे बयान को? पहले तो उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट से निर्णय निकलेगा, और कोर्ट से नहीं निर्णय निकलता है तो हमें कोई मंदिर बनाने से नहीं रोक सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक उनकी ठोस बात है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति उन्होंने जी, अगर उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है कि हम राम मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो कहीं ना कहीं कोई बात है जो उन्होंने ये बात कही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ऋषि गुप्ता। उत्तर